मेरी किडनी निकाल ली गई। राजा और विनोद मगोत्रा, जिसको किडनी की जरूरत थी, ये किडनी तो मुझे आपकी ही चाहिए। और यहाँ तक कि मेरी जो फर्जी शादी रजिस्टर करवाई गई तरीके से मुझसे कहा जा रहा था कि आपके हस्बैंड को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। मना करने के बाद उन्होंने फोर्स जबरदस्ती करके, दोषी विनोद मगोत्रा है, इतना ही हॉस्पिटल दोषी है। 2020 से 2022 अगस्त तक मुझे और मेरे परिवार को बंधक बना के रखा, कहीं पेश नहीं गए गए, एक हॉस्पिटल किसी सीएमओ के सामने पेश नहीं किया गया। चेहरा मेरा लेकिन नाम उसकी पत्नी का है, क्योंकि बिना एडवोकेट की एडवाइस के वो कुछ नहीं करता था। कितने कितने लोग हम पे निगरानी किया करते थे। उसके बाद हम कभी घर वापस नहीं गए। क्या कुछ हुआ था आपके साथ बताएं? मैम एक्चुअली 2020 से 2022 अगस्त तक मुझे और मेरे परिवार को बंधक बना के रखा। 2022 में 4 अगस्त को मेरी किडनी निकाल ली गई। उसके बाद ना मेरा कोई इलाज कराया गया है और ना ही कोई मेरी तरफ, ना हॉस्पिटल और जिसने किडनी निकाली, ना ही वो कोई भी। किडनी निकाली क्यों निकाली गई? क्या आपकी रजामंदी से किडनी निकाली गई या कैसे निकाली गई, और क्या इसमें सामने आया, बंधक किसने बनाया, पूरा बताएं। मैम मैं आज से 2 साल पहले 2020 में सितंबर में मेरे हस्बैंड की फेसबुक आईडी चला रही थी जी। जिसको क्लिक करने पर वहां पर एक विज्ञापन दिया हुआ था किडनी के बारे में। मैंने उसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद, जो कि अपने घर के काम में बिजी हो जाते, मैं अपने घरेलू काम में बिजी हो गई। उसके बाद जिन लोगों ने विज्ञापन दिया था, जिसको किडनी चाहिए थी, विनोद मगोत्रा, सामने से उन लोगों का फोन आता है, विनोद मगोत्रा और राजा, उन लोगों का फोन आता है कि हाँ जी आपने विज्ञापन दिया, देखा भी, मगर हाँ जी कि आपकी एज क्या है, A to Z जो मेरी डिटेल्स ली गई। मुझे इतना वो नहीं था, मैंने अपनी सारी डिटेल्स दे दी उनको कि आपकी एज क्या है। ये सारा कुछ करने के बाद, डिटेल्स लेने के बाद, उन्होंने कहा जी मुझे किडनी चाहिए, आप इंटरेस्टेड हो? मैंने उनसे पूछा, मगर सर इसका प्रोसेस क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि वो तो हम देख लेंगे, आप बताइए, मैं आपके हस्बैंड, क्योंकि डिटेल्स तो मेरे ले चुके थे पहले ही, कि मैं आपके हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब लगवा के दूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, हमसे मिल लीजिए। दिल्ली विकासपुरी PVR हमें बुलाया गया। मैं ये नहीं कहती मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, मैं स्टार्टिंग में इंटरेस्टेड थी, शुरू में मैंने हाँ बोला था, तो ही मैं ऑफिस पर गई थी। मेरे ऑफिस पर जाने के बाद वहां पर राजा और विनोद मगोत्रा, जिसको किडनी, 2 साल हम लोग वहां पर रहे, और वो भी कुछ इस तरीके से रहे, जो इसका केयरटेकर था पश्चिम विहार, जिस घर में हमें ले जाया गया था, वहां पे हमें आधी रात तक रखा गया। उसके बाद जिस घर में हमें 1.5 साल रखा गया, आधी रात पे हमें उस दूसरे घर में पहुंचाया गया गाड़ी में, और जो उस घर का केयरटेकर था, नानक और उसके 3 लड़के, जो कि बहुत ही वाहियात मारपीट करने वाले लड़के थे, उनके हाथों हमें सौंप दिया गया। 1.5 साल हमें उस घर में रखा गया। जिस टाइम मुझे घर से बाहर निकाला जाता था लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए, हॉस्पिटल ले जाने के लिए, मेरे बच्चों को और मेरे पति को उन लोगों के अंडर छोड़ दिया जाता था। क्योंकि जिस कमरे में मैं रह रही थी, बाहर ही मेन गेट पर उनका ऑफिस था, उस ऑफिस में 2400 घंटे शराब चलती थी, वाहियात, कितने कितने लोग हम पे निगरानी किया करते थे। इस सारे प्रोसेस को करने में 3.5 साल लग गया। 1.5 साल के बाद इसमें ये 4-5 हॉस्पिटल से, जिस हॉस्पिटल ने इसके डॉक्यूमेंट्स और इसे रिजेक्ट किया कि ये 42 साल की नहीं लगती, उसमें था कैंसर बालाजी हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद, ये चंडीगढ़ PGI, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इसने कोशिश की 1 साल। चलिए, 2 महत्वपूर्ण सवाल है मेरे जी। एक कि आप इसमें QRG हॉस्पिटल को कितना दोषी मानती हैं? मैम मैं बिल्कुल पूरा दोषी मानती हूँ। जितना दोषी विनोद मगोत्रा है, इतना ही हॉस्पिटल दोषी है। क्यों आप उसको दोषी मानते हैं? किस किस में उसको सम्मिलित मानते हैं? मैं इसलिए दोषी मानती हूँ। मैम एक चीज बताइए, PGI चंडीगढ़, जिसमें कि ट्रांसप्लांट आए दिन होते हैं, रोजाना होते हैं, मेट्रो फरीदाबाद का हॉस्पिटल इतना बड़ा, और पश्चिम विहार में कैंसर बालाजी जो उसके घर के पास था, इन तीनों हॉस्पिटल ने उसके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स इसने लगाए थे रिजेक्ट कर दिया। राजा और विनोद मगोत्रा, जिसको किडनी की जरूरत थी, जो पेशेंट था, वो लोग वहां पर मिले। वहां पर जाने के बाद बातचीत हुई, मैंने उनसे पूछा, मगे सर इसका प्रोसेस क्या होता है, कि आप उस चीज की टेंशन मत लीजिए, वो सारा हम हैंडल कर लेंगे। तो हमें एक चीज पता नहीं थी, जिस तरीके से मुझसे कहा जा रहा था कि आपके हस्बैंड को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी,
मुझे ये था बड़े लोग हैं, जॉब मिल गई हस्बैंड को तो मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं, दोनों की लाइफ सेट हो जाएगी इस वजह से। लेकिन हमें बिना बताए उन लोगों ने एक ब्लड सैंपल बॉय के वो पहले ही बुला के रखा हुआ था, जिस वजह से विनोद मगोत्रा तो अपना ब्लड सैंपल पहले दे चुका था, लेकिन जब मेरी ब्लड सैंपल लेने की बारी आई तो मैंने देखा सैंपल मेरा लिया जा रहा था, लेकिन सैंपल पे नाम था अंबिका मगोत्रा, जो कि विनोद मगोत्रा की रियल वाइफ है। ब्लड मेरा था, नाम वाइफ का था। यही चीज उसने सारे डॉक्यूमेंट्स में की थी, फेस मेरा, नाम वाइफ का। ये करते करते उसके बाद फर्स्ट मीटिंग में ब्लड वगैरह ले लिए गए, मुझे पता भी नहीं था वो ब्लड किस लिए लिया गया था, कि एक नॉर्मल सा छोटा सा टेस्ट होता है, अब ब्लड दे दो। ठीक है, अब मैंने टेस्ट दे दिया, मुझे बाद में पता चला वो टेस्ट होता क्रॉस मैच, जिसमें ये पता चलता है कि आपकी किडनी सामने वाले से कितने परसेंट मैच होती है, और वो अनफॉर्चुनेटली मेरा बैड लक था, वो 99.9% मैच हुई, क्योंकि मेरी एज यंग थी। हम अपने घर वापस चले गए, सेकंड जब हमारे घर वापस चले गए उसके बाद राजा और विनोद मगोत्रा के लगातार मेरे पति को फोन आते रहे। फोन आने के बाद वो लोग दोबारा मिलने के लिए बुला रहे थे, क्योंकि उनको रिपोर्ट्स मिल चुकी थी, हमें नहीं बताया गया था कि किडनी का कुछ जो भी था, हमने टेस्ट कराया था, मैच हुआ है नहीं हुआ है। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, हम जैसे गए सेकंड टाइम तो उन्होंने पीवीआर ऑफिस पर फिर से बुलाया हमें। ऑफिस पर बुलाने के बाद के बातचीत हुई कि चेहरा मेरा लेकिन नाम उसकी पत्नी का है। उसमें किस अधिकारी को वो जानते हैं, हम किस अधिकारी के थ्रू आए? मैम ये उसके एडवोकेट ने सारा कुछ क्या पहले नाम ही, है उसका एडवोकेट का नाम तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने फोन पे जब जब सुना, क्योंकि बिना एडवोकेट की एडवाइस के वो कुछ नहीं करता था, एडवोकेट से वो एडवाइस लेता था उसके बाद, यहाँ तक कि SDM ऑफिस जिस दिन मैरिज रजिस्टर करवाने के लिए गए थे उसके एडवोकेट ने उसको घर आके फाइल दी थी। SDM ऑफिस फरीदाबाद की या फिर नहीं जी, नांगलोई, दिल्ली नांगलोई। हाँ नांगलोई जी, वहां पर शादी रजिस्टर करवाई गई। रजिस्ट्रेशन में जो दो लोग थे, तेजेंद्र कुमार कौरा जो कि विनोद मगोत्रा का कजन है, और ओम प्रकाश जो कि ITR में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, चार लोग ये हैं, और एक वो पांचवा राजा जिसने हमें फोन किया था, और दो हॉस्पिटल के QRG के, ये स्वाति कोऑर्डिनेटर और श्री राम काबरा नेफ्रो के डायरेक्टर। अभी आपको कुछ न्याय मिल रहा है, लग रहा है कुछ? मैम अभी तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि आज से 6 दिन पहले मैंने कंप्लेंट फाइल की थी, उसके 2 दिन बाद यानी आज से 4 दिन पहले मैंने FIR भी दर्ज कराई, अपना बयान दर्ज करवाया है, लेकिन 4 दिन में मुझे तो उन लोगों ने मेरी अच्छा, तबीयत एक, खराब। एक सवाल और, आपको जी क्या QRG हॉस्पिटल या उनकी तरफ से जान से मारने की धमकी दी जा रही है? मैम मुझे विनोद मगोत्रा की तरफ से सीधे सीधे, QRG ने तो कभी मुझे इलाज के लिए भी याद नहीं किया कि उस के मैम एक चीज बताइए, एक छोटी सी सर्जरी अलग होती है, किडनी ट्रांसप्लांट बहुत बड़ी सर्जरी होती है, हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन रही थी कि विनोद मगोत्रा का लगातार इलाज हो रहा था, वो कहाँ जिसकी किडनी ली आपने, नहीं बनती थी कभी। मुझे जिस दिन से ऑपरेशन हुआ से 4 महीने पहले, आज तक मुझे हॉस्पिटल में दोबारा दिखाया ही नहीं गया, और आज हालत मेरी है, मुझे इतना ज्यादा इन्फेक्शन है, ना मैं चल पाती हूँ, ना मैं थोड़ी से ज्यादा देर बैठ पाती हूँ, थोड़ा बोलने के बाद मैं हाँफने लगती हूँ, मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब है इस टाइम पे, लेकिन मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला आज तक। मेरी एज यंग थी। हम अपने घर वापस चले गए, सेकंड जब हमारे घर वापस चले गए उसके बाद राजा और विनोद मगोत्रा के लगातार मेरे पति को फोन आते रहे। फोन आने के बाद वो लोग दोबारा मिलने के लिए बुला रहे थे, क्योंकि उनको रिपोर्ट्स मिल चुकी थी, हमें नहीं बताया गया था कि किडनी का कुछ जो भी था, हमने टेस्ट कराया था, मैच हुआ है नहीं हुआ है। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, हम जैसे गए सेकंड टाइम तो उन्होंने PVR ऑफिस पर फिर से बुलाया हमें। ऑफिस पर बुलाने के बाद के बातचीत हुई कि चलो हम आपको अपने घर लेके चलते हैं। विनोद मगोत्रा का घर था पश्चिम विहार में। राजा और विनोद मगोत्रा ने मुझे और मेरी फैमिली को गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठाने के बाद वो ले गया अपने घर पश्चिम विहार। वहां पर उसकी बीवी और उसके बच्चे, जो कि 24 साल का बेटा और 21 साल की उसकी बेटी है, बच्चे पूरा परिवार था। तो उस टाइम पे, उसी दौरान जब हम उसके घर गए, जब वो लोग आपस में बात कर रहे थे, उस टाइम पे मैंने गौर किया कि किडनी तो सिर्फ एक फैमिली मेंबर दे सकता है, बाहर का बंदा नहीं दे सकता है। मैंने इस चीज को उनसे कहा, विनोद को, मके विनोद जी मके क्या नाम है, आप कह रहे हो ऐसे किडनी के लिए, मैं तो नहीं दे सकती, मैं आपकी फैमिली से हूं ही नहीं। तो उस टाइम जो विनोद जी के वर्ड्स थे वो कुछ इस तरह थे कि किडनी तो मुझे आपकी ही चाहिए, क्योंकि मेरे डॉक्टर फ्रेंड ने मुझे बताया था कि जो आपकी एज है, मेरी उम्र है 28 साल, कागजों में दिखाई गई है 42 साल, कि जो आपकी एज है, आपकी एज से रिलेटेड जो भी मेरे को चाहिए था वो सारी चीजें टोटल मैच हुई हैं, किडनी तो मुझे आपकी ही चाहिए,
इससे मैं 20-25 साल आराम से जी सकता हूँ। मना करने के बाद उन्होंने फोर्स जबरदस्ती करके उसके बाद हम कभी घर वापस नहीं गए अपने। एक डेढ़ साल आपको पूरा बंधक बनाया? हाँ जी, डेढ़ साल विनोद मगोत्रा के जिस घर में हमें मिलने के लिए अपनी वाइफ से मीट ईयर्स की। मैम हॉस्पिटल में ये दो लोग हैं जिनकी वजह जिन्होंने विनोद मगोत्रा को फुल सपोर्ट किया। ठीक है, फुल सपोर्ट। अच्छा, अगला सवाल मेरा, जैसे कि जब किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो बीके हॉस्पिटल में सीएमओ और डिप्टी सीएमओ के की जो कमेटी बनाई जाती है, वहाँ पे क्या आप पेश हुई थी? जी नहीं, मुझे कहीं पेश नहीं गया। एक हॉस्पिटल में दो चार डॉक्टर्स थे हॉस्पिटल के, क्योंकि सर्जरी के टाइम पे तो आप जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो पहले सीएमओ डिप्टी सीएमओ आपको देखते हैं और आपसे कॉल वेरिफिकेशन करते हैं कि आप फैमिली मेंबर है या नहीं है जी। उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट होती है, तो वो कोई प्रोसेस आपके साथ? मैम मुझे किसी सीएमओ के सामने पेश नहीं किया गया, मुझे हॉस्पिटल के ही दो चार डॉक्टर जो कि सर्जरी के दौरान मैंने घूमते फिरते हॉस्पिटल में देखे थे उन्हीं के सामने मुझसे दो चार बातें जो बोली गई थी, जो कि डेढ़ साल से प्रोसेस चल रहा था, मुझसे वो चीजें बुलवाई गई थी। अच्छा, जो सीएमओ की तरफ से अप्रूव होके आई है आपका जो पर्चा है, अप्रूव होके आया है, वो क्या वो भी फर्जीवाड़ा है? मैम मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि एक चीज बताइए, जब वहाँ बुलाया नहीं गया, मुझे कहीं नहीं बुलाया गया, मुझे हॉस्पिटल में QRG में जो दो चार डॉक्टर्स थे जिनको मैंने घूमते हुए देखा था सर्जरी के दौरान, वो ही कमेटी में वो शामिल थे। अच्छा, मैंने उनको देखा था हॉस्पिटल में। क्या क्या नाम बता सकते हो? मैम उनके नाम मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उनको एक बार तब देखा था मीटिंग के टाइम पे, और दो चार बार मैंने उनको हॉस्पिटल में वैसे ही घूमते हुए देखा था। फर्जी डॉक्यूमेंट्स आपकी दिखाया गया कि आप उनकी पत्नी है? जी, फर्जी डॉक्यूमेंट जी। तो वो उसमें आप सम्मिलित जितने भी अधिकारी है उनको मानती है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल मानती हूँ। आप क्या गुहार लगाना चाहती हैं? मैम मैं ये चाहती हूँ जो लोग इसमें शामिल है, विनोद मगोत्रा, उसकी वाइफ अंबिका मगोत्रा, क्योंकि अंबिका मगोत्रा ने भी बहुत टॉर्चर किया है मुझे जी, अंबिका मगोत्रा, विनोद मगोत्रा, और यहाँ तक कि मेरी जो फर्जी शादी रजिस्टर करवाई गई है जिसमें चेहरा मेरा लेकिन नाम उसकी पत्नी का है। किस अधिकारी को वो जानते हैं, किस अधिकारी के थ्रू?